हेलो फ्रेंड, आप सभी को वेलकम आपके घर के चैनल लबी स्टोर पे। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि सभी अभी थंबनेल देखे होंगे और ये प्रॉब्लम सबको इंटरफेस करना पड़ रहा होगा। कई लोगों के स्क्रीनशॉट देखा मैंने टाइमलाइन पे, तो ये प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में फुल डिटेल बता रहा हूँ। साथ में एक और प्रॉब्लम उसके बारे में भी इसमें इलाज बता दे रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि क्या चीज़ हो रहा है और क्या सही है, क्या नहीं होना चाहिए या कैसे हो रहा है। सब कुछ, हर एक चीज़ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मार्क अंकल के इंटरफेस पे कि वो क्या क्या लिखे हुए हैं, देखते हैं नया अपडेट। तो आप यहाँ पर अपडेट देख रहे होंगे 7 मार्च का, क्लियर अपडेट है। अपडेट को अंदर भी मैं दिखा देता हूँ इनका क्या फोकस किया गया है। इन्होंने स्पेशली फोकस कर रहे हैं प्राइवेसी, फोकस चल रहे हैं इनका। मतलब सोशल नेटवर्क में जो भी प्राइवेसी, आपके जो भी डाटा लीक होती है, कई प्रकार के बग आ जाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन पी गार्ड हो या आप किसी पबजी हो गया या लूडो हो गया, आप अगर मेन अकाउंट से ऑथोराइज करते हो तो मतलब आपका डाटा इजली उस दूसरे एप्लीकेशन पे चला जाता है। तो ये सबको रोकने के लिए बहुत सारे कदम अभी मार्क जुकरबर्ग उठा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बताता हूँ इस पर। ये तो प्राइवेसी का हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है जो आपके अकाउंट होते हैं, अकाउंट डिसेबल होते हैं। रियली बता रहा हूँ, प्राइवेसी के जो अभी प्राइवेसी एक्ट जो नियम जो अभी चला रहा है फेसबुक, उसकी वजह से जितने फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट मतलब बिना टिंकी करके जो भी आईडी बनाए रहते हैं बिना रियलिटी के, वो आईडी टर्मिनेट हो रही है। तो उसकी जगह पर अपन लोग क्या करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए पारुल अहमद का आईडी उड़ा है, एसके सीनू का उड़ा हुआ है, बेसपोर्टर आप जानते ही होंगे। तो अब ये क्या करेंगे कि फिर उसी नाम से एक और आईडी बनाएंगे तो आईडी भी उड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसके लिए सीधी सी बात है, आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, ये वीडियो ना मतलब मैं बोलूँगा 100% कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, काम का वीडियो है। इसको वीडियो को मैं लास्ट में, जैसे वीडियो ख़त्म होगा ये वीडियो आपको सामने आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि आईडी क्लोज से परेशान हो तो ज़रूर देख, इसको देखना, उसके आपका जो आईडी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मैटर पर। अभी रात के 1:35 हो रहे हैं एंड अभी चलिए अब दिखाता हूँ आपको ये प्रॉब्लम का क्या है सलूशन। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे अकाउंट में ओपन है, कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है। और कई लोगों के अकाउंट में ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चलिए देख लेते हैं। अभी रिफ्रेश करके यहाँ पर देखिए अपलोड हुआ है, चलिए किसी और का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट भी एरर बता रहा है, और किसी का देख लेते हैं, देखिए आईडी प्रॉब्लम है सोनू भैया, प्रोफाइल पिक भी अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इसकी यहाँ पर देखिए आप ये भी नोटिस कर लीजिए, आईडी डिसेबल हो गया है, आप यहाँ पर देख लिया। तो कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम प्राइवेसी वाले के चक्कर में तो हो रही है, आईडी डिसेबल वाला प्रॉब्लम जो, तो उसके लिए मैं वीडियो तो ऑलरेडी बना हुआ है, इस वीडियो को देखने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो न्यू वाला है फेसबुक विल बी कम भाई बैक सुनते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, फेसबुक इज डाउन फॉर रिक्वायर्ड मेंटेनेंस राइट नाउ। सीधी से बात है, सिंपल वे में कहना चाहता है कि फेसबुक पर भी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आपका अकाउंट सेफ है, कुछ देर बाद 5 आवर लगभग मतलब 8 से 10 घंटे या 5 घंटे मिनिमम आपको आपका आईडी वापस से मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, सर्वर का प्रॉब्लम है एंड मेंटेनेंस अब कर रहा है तो कुछ सही चीज़ ही मेंटेनेंस कर रहा होगा, हो सकता है लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंटेनेंस कर रहा हो या कमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आईडी डिसेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंटेनेंस कर रहा हो। तो जो भी मेंटेनेंस, कभी भी मेंटेनेंस होता है किसी चीज़ का, कुछ खराबी होता है उसको सही करने के लिए ही मेंटेनेंस किया जाता है, आप सभी को पता होगा। फॉर एग्जांपल के लिए किसी बाइक का मेंटेनेंस तो क्यों मेंटेनेंस करते हैं कि भाई यहाँ बाइक बढ़िया चले, तो फेसबुक का जो भी प्रॉब्लम है उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो एक तरह से बोलो तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि फेसबुक में कुछ खराबी होगा उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम लगभग 6 से 12 घंटे में सॉल्व हो जाएगी, जैसे
आपको दिखाया था कि एफबी लाइट में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी ओपन करता था उस पर मेरी आईडी पे ओनली ऑन उनका फ़ोटो दिखता था। ये प्रॉब्लम कुछ था कुछ घंटे के लिए मैं बोला था। अब चलो किसी को अगर लॉगिन करना है, मान लीजिए कुछ देर में दो चार घंटे बाद अगर लॉगिन करना है, उसको मैसेज करना है या सपोर्ट करना है या कुछ भी समथिंग, या फ़ोटो ही अपलोड करना हो, अगर मेन ब्राउजर से लॉगिन नहीं हो पा रही है तो आप ओपेरा मिनी ट्राई कीजिएगा। ओपेरा मिनी में लॉगिन हो रही है, मैंने थर्ड पार्टी अकाउंट से चेक कर चुका हूँ, तो आप ओपेरा मिनी से लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। मे बी आप कुछ टाइम रेस्ट कीजिए, आज रात भर मॉर्निंग तक ये प्रॉब्लम लगभग लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो टेंशन वाली बात नहीं है, धैर्य रखें एंड मेंटेनेंस हो रही है, मतलब अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड SR फैमिली सारे कोड अभी तो IT कई लोगों के ओपन नहीं हो रहे हैं, तो कोड इसी वीडियो में मैं दे रहा हूँ, बाद में या फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपको कोड मिल जाएगा। इस वीडियो पे रहने देते हैं, क्योंकि कई फ्रेंड लोगों के भाई बायो अभी ID लॉगिन नहीं हो पा रही, तो बायो कैसे चेंज करेंगे, इसलिए कोड नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा आपका घर का चैनल, क्योंकि यहाँ रियलिटी सबसे पहले मिलती है, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट बात वीडियो में छूट गया था, बता दे रहा हूँ, फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम भी वर्क नहीं करेगी और व्हाट्सएप भी, क्योंकि तीनों ग्रुप मार्क जुकरबर्ग के अंडर आते हैं, CEO तीनों के फाउंडर यही हैं। तो इंस्टाग्राम में भी ये प्रॉब्लम है एंड आपका व्हाट्सएप में भी, तो सभी तीनों के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। याद रखिएगा तीनों के तीनों में प्रॉब्लम होगा, व्हाट्सएप में भी, इंस्टाग्राम में भी, और प्लस आप स्टोरी लगा के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, व्हाट्सएप में स्टोरी नहीं लगा सकते और इंस्टाग्राम भी लॉगिन कई लोगों के नहीं हो रहे होंगे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा।